भगवान कहते हैं ना सब देखता है, वो देखता है। अब कैसा लग रहा है रोटी बनाने में? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। देखो देखो अच्छा लगता है जब पीछे ऊपर से घेसड़े पड़ते हो ना, तब अच्छा लगता है। सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो लाडलो? टाइम हो गया है 3:06। फिलहाल हमें कहीं जाना है, मतलब यार किसी को टाइम दिया चला। आज हम एक थोड़ा सा काम है यार, एक अपने लाडले को अपना इंटरव्यू लेना था। वैसे देखो यार, हम कोई बड़े बड़े हैं तो है नहीं कोई, मैं अपने आप को मानता नहीं कि बहुत बड़ा मोटा व्लॉगर हूँ, बट ठीक है, कोई रिस्पेक्ट करता है तो ठीक है, ले लेनी चाहिए। वैसे मेरे पास टाइम नहीं था, भाई ने थोड़े दिन वेट किया है, मैं स्पेशल इसके लिए टाइम निकाल के लाया हूँ। तो ये आगे दोबारा से हम हरे भरे खेतों में, और यहाँ पे एकांत मिल जाएगा, सन्नाटा मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा जो हमें चाहिए। भाई फाइनली अभी टाइम हो गया 4:06 ना। अभी जो आपने सिनेमैटिक सीन देखे ना, उसमें हम कर रहे थे एक वीडियो शूट, जिसमें मैंने थोड़ा सा बताया कि मैंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, मतलब थोड़ी सी बातें बताई हैं, जितना भी स्ट्रगल किया उसका बहुत कम बताया है, और अपनी लाइफ में जो जो हुआ ना उससे थोड़ा सा कम बताया। भाई वीडियो शूट करके जा चुका है और मैं अपने जा रहा हूँ एक काम। और यार एक चीज़ और बताना है यार, पबजी अभी तक कौन खेल रहा है? अभी वर्जन एक आया है, वो कौन कौन खेलता है? बिकॉज मैंने जस्ट कल से पबजी इंस्टॉल किया अपने मोबाइल में दोबारा से। मैं जब लॉकडाउन में ना यार, लॉकडाउन में किस किस ने पबजी खेला वो भी ज़रूर बताना। और देखो जब मैं लॉकडाउन में था ना, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम अपना पबजी पे स्पेंड किया है, और भाई सच बताऊँ ना, एक वो लाइफ लाइन था लॉकडाउन का, बहुत ज़्यादा टाइम उसने ये लगा लो वेस्ट किया या खर्च किया वो लगा लो, क्योंकि उस टाइम लोगों के पास टाइम ही टाइम था, फालतू का टाइम था। और फालतू का टाइम ना कहीं और लगाने से अच्छा किसी गेम में ही खेल लगा लो, वो बढ़िया है, खेल लो एंजॉय कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज ना खाली शैतान का घर होता है दिमाग, या तो अच्छे जगह पे लगाओ, अच्छे जगह नहीं लगा सकते ना तो बुरा जगह ज़रूर लगेगा, तो इससे बढ़िया है कि अपने गेम खेल लो, तो उसके लिए ज़्यादा बेटर है। और जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जैसे मैं हो गया, आप लोग हो गए, कोई जॉब करता होगा, मैं खेलता तो हूँ लेकिन बहुत कम खेलता हूँ। अब तो मतलब ये लगा लो मैंने बहुत महीने बाद अब गेम खेलना शुरू किया है दोबारा से, और ये भी मैं बहुत थोड़ा खेला करूँगा। और बेनेली को वापस देखे यार, किस किस को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यार, वो मैं ज़रूर बताना कमेंट करके। यार मेरे को ना बस ये पूछ लो कि यार मैंने क्या पाया है इसको पा के, यार मैं बता भी नहीं सकता यार, इसके बिना यार बिल्कुल अधूरा अधूरा लग रहा था मुझे, मतलब मैं सोच रहा था मैं क्या हूँ यार। अब सोच रहे हो यार कौन ऐसे सोचता है, बट यार रियलिटी में यार मैंने जितना इसको मिस किया ना, ये लगा लो मैं इसको जब लेके आया ना, मेरे को इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी, जैसे कि मैं बाइक को नई लेके आया था ना, नई शोरूम से लेके आया था, तब इतनी खुशी हुई थी, इतना परेशान हो गया था मैं अपनी बाइक ना पा के। और आज संडे यार, पता नहीं शॉप खुली होगी कि नहीं खुली होगी। लो भाई शॉप बंद है। और मेन चीज़ बता दो कि आप यहाँ क्यों आए थे? यहाँ पे ना प्रदीप अपने पैड़ी भाई साहब, जो कि समुंदर की गहराइयों में अभी भी दफन है, और आज तारीख हो गई है 7, और भाई साहब उनको कल यहाँ पे धरती पे होना चाहिए था। धरती का मतलब वो समुंदर से बाहर निकलने वाले थे, बट पता नहीं अभी तक निकले क्यों नहीं है, घर जाके पता करता हूँ। उनके पैनियर यहाँ पे पेंट करवाए थे इस शॉप पे, और पैनियर्स की जो चाबी है वो यहीं पे रह गई बाय मिस्टेक, और इतने दिनों से चाबी ही नहीं लेने आया मैं, गड़बड़ हो जाएगी अगर चाबी खो दी तो। उन्होंने कहीं संभाल के तो रखेंगे, बट फिर भी मुझे डर है कहीं चाबी ना खो जाए, और प्रदीप भी जान खा लेगा प्रदीप अगर चाबी खो गई तो। खैर देखते हैं। उसके पैनियर तो मैंने पहुंचा दिए रोहतक, बट चाबी अभी तक नहीं पहुंचा पाया।
व्लॉग्स बहुत कम इसलिए आते हैं यार, यही सोचता हूँ कि कुछ एक्सट्रीम करूँ, कुछ अलग करूँ, कुछ यूनिक करूँ, इस वजह से मेरे बहुत कम व्लॉग आ रहे हैं यार, मतलब बहुत ज़्यादा कम। मैं कुछ यूनिक करता हूँ, कुछ एक्सट्रीम करता हूँ, उसे मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अगर मैं नॉर्मल कुछ करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा अंदर से खुशी नहीं होती, तो बस इसलिए अपना वीडियोज़ थोड़ा सा लेट आते हैं। एक्सट्रीम करने को कुछ होता नहीं लोकल, और यूनिक भी नहीं होता करने को। और एक यार मैंने वीडियो देखी थी कि मतलब बहुत सही कह रहा था यार वो बंदा, नेगेटिव और समझदार लोगों से ना आपको दूर रहना है। मतलब वो आप कुछ सिखा लो, कुछ बढ़िया सिखा लो, कोई मतलब नहीं है आपसे उनको, मतलब सिर्फ उनको ये देखना है कि आपने गलती क्या की, ठीक है। उस वो समझदार लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, बस ये नहीं देखेंगे आपने क्या अच्छी चीज़ सिखाई, क्या नहीं सिखाई, क्या है उस वीडियो में क्या नहीं, बस अपनी समझदारी से उन्होंने बस एक गलती निकालनी है, बाकी अपने भाड़ में जाओ। खैर कोई बात नहीं, अभी जस्ट टाइम हो गया है अपना 4:18, और अभी सिस्टर को ना उसके घर छोड़ के आना, तो हमारी जिम्मेदारी ऐसे ही पड़ी रहती है, इस वजह से हम भी थोड़े से बिजी रहते हैं यार। फोन आ गया आई थिंक घर वालों का ही। यस माय सिस्टर कॉलिंग मी। कोई नहीं, ये काट दिया फोन, क्योंकि 4 बजे का मैंने टाइम दिया था, ऑलरेडी 4:18 हो चुके हैं, विद इन मिनट्स हम घर के अंदर घुसेंगे। भाई फाइनली घर पहुंच चुके हैं, हमारे यहाँ सिस्टर है जी। इसका नाम है प्लस है, और इसका बहुत बड़े बड़े नाम टेके थे मैंने बचपन में, बहुत पीटता था मैं इसको, हालांकि रोटी बनाते हुए ना ये पीटती थी हमें, खाना खाते हुए बेलन तोड़ती थी ये पाटड़ी, और वैसे ही घर आगे जाके मिल गए इसको, बहुत रोटी बनानी पड़ती है, जब चाहे जब बनानी पड़ती है, मजा आ गया, स्वाद आ गया। बचपन के भगवान कहते हैं ना, सब देखता है, वो देखता है अब कैसा लग रहा है रोटी बनाने में। बिल्कुल अच्छा लग रहा है, देखो अच्छा लगता है, जब पीछे ऊपर से घेसड़े पड़ते हो ना तब अच्छा लगता है, तभी हमारे मारती थी। लो भाई सिस्टर को छोड़ के आ चुके हैं, घर आ चुके हैं। भाई देखो मेन चीज़ यही है कि मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मेरे को एक एडवेंचर चाहिए, एक्सट्रीम एडवेंचर चाहिए, जहाँ पे मजा ही मजा आ जाए, देखने वाला सोचे पता है जा कैसे रहे यहाँ पे यार, मतलब वो वाली चीज़ें, या फिर मैं लॉन्ग ट्रिप पे जाऊँ, ऐसी जगह जाऊँ जो मैंने ना देखी हो, अनएक्सप्लोर्ड हो, एक्सप्लोर्ड भी हो तो हमने ना देखी हो, ऐसी हो जगह हो, ऐसी हो, देखते ही कहो भाई यही जन्नत है। तो मतलब कुछ बस इस तरीके से है, और ऐसी जगहें हैं भी बट हम जा नहीं पाएंगे बिकॉज थोड़ा सा बजट टाइट है, क्योंकि उस राइड पे जाने के लिए काफ़ी दिन चाहिए और बहुत सारे पैसे, तो अभी अपना हाथ टाइट है, तो अभी जस्ट हम छोटे मोटे टूर मार सकते हैं, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं कर सकता, एक्सट्रीम कंडीशंस में नहीं जा सकता, एक्सट्रीम राइड नहीं कर सकता, 20-25 दिन के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, 1.5 महीना जाना चाहता हूँ बट नहीं जा सकता। पहली बात, अगर बजट हो भी जाए तो अकेला मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे साथ कोई ना कोई होना चाहिए जिससे मैं मजाक कर सकूं, हंसी मजाक कर सकूं, अपना दिल बहला सकूं, क्योंकि अकेला बंदा बोर हो जाता है। देखो मैं तो हो जाता हूँ, औरों को पता नहीं। तो आई होप कि आपको पता लगे होगा वीडियो क्यों नहीं आ रही, और अपनी फाइनली अपनी बैनली आ चुकी है, प्रॉपर पूरी रेडी है कहीं भी टूर जाने के लिए, बस कहीं का बुलावा है और हम निकल जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट लाडलो। आई होप
कि ऐसे ही हम बने रहेंगे, एक साथ बने रहेंगे। यार वीडियो शेयर जरूर कर दिया करो यार, प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दिया करो। और वो जो पीछे वाली वीडियो, इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो, वो जरूर शेयर करना, वो सबके काम आएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, बाय।